हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज मैं आपको कोरोना का जिंदगी और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ है उसके बारे में बात करूंगा, कई सारे रिपोर्ट्स के साथ। वीडियो काफी अच्छा होगा, आप अंत तक देखो। 19 जुलाई तक के कोरोना का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। टोटल कोरोना केस पूरे दुनिया में इस वक्त 1,44,00,000 के करीब है। वहीं 6,00,000 लोग ने अपनी जान गंवाई है, उसके साथ 86,00,000 के करीब लोग रिकवर होके घर जा चुके हैं। सिर्फ भारत में यह आंकड़ा 10,00,000 पार कर चुका है। भारत तीसरा देश बन गया है जो 1,000,000 केस क्रॉस करने वाला हो गया, अमेरिका और ब्राजील के बाद। देखो, यह डर है कि कोरोना से ज्यादा कहीं लोग भूखमरी से ना मारे जाए, इसको लेके भी कई आंकड़े हैं जिसको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि इस वायरस का पीक कब होगा, जिसके बाद इसका असर धीरे धीरे कम होना चालू होगा। डॉक्टर रिजो एम जॉन, जो एक हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि भारत में 10 और 11 अगस्त के बीच कोरोना केस 20,00,000 पार कर जाएगा। और उन्होंने यह भी प्रिडिक्ट किया कि 31 अगस्त तक यह आंकड़ा 32,00,000 के करीब होगा। इनका पहले का प्रिडिक्शन था कि 22 जुलाई के करीब कोरोना 10,00,000 के करीब होगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा फिट बैठता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि कोरोना वायरस अपने चरम पे होगा सितंबर के बीच में। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सब दो चीज पे निर्भर करता है, पहला गवर्नमेंट का कितना एफर्ट है और दूसरा पब्लिक का इस वायरस को लेके क्या बिहेवियर है। WHO ने वार्न किया कि COVID-19 दुनिया में चल रहे कई कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा। इसमें उन्होंने मिडल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीका का जिक्र किया और बोला वहां पहले से ही लोग वॉर लाइक सिचुएशन झेल रहे हैं और साथ में भूखमरी भी है और गरीबी भी अलग से। उन्होंने कहा कोरोना वायरस और उसे रोकने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उससे करीब 22 करोड़ लोग आपातकालीन स्थिति में, साथ में 13 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी में आ सकते हैं। सिर्फ 2020 में यह आंकड़ा 59 करोड़ के अलावा है जो पिछले साल भूखे थे। देखो, आप खुद सोचो कि इतने सारे लोग को खाना तक नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। हम घर बैठ के इनका दुख और दर्द कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के वजह से गवर्नमेंट एजुकेशन के फंड में कटौती करेगा, जिसके वजह से कम 97,00,000 बच्चे हमेशा के लिए स्कूल से बाहर हो जाएंगे इस साल के अंत तक, और साथ में करोड़ों लोग अपने पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। आप भारत में ही देखो, करोड़ों गरीब बच्चों का पेट स्कूल में मिड डे मील से भरता है, तो सोचो उन लोगों का क्या हाल होता होगा इस वक्त। वहीं यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने वार्न किया कि इस पेंडेमिक के वजह से हम सालों या दशकों पीछे हो जाएंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स मार्क लोकॉक ने कहा कि दशकों का त्रासदी होगा अगर अमीर देश गरीब देशों की मदद नहीं करते हैं तो। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है वैश्विक आबादी के 10% गरीबों को महामारी और वैश्विक मंदी के सबसे बुरे प्रभाव से बचाने की लागत करीब $90 बिलियन है, जो कि 1% से भी कम है जितना पैसा अमीर देश अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए लगाए हैं। देखो, अलग अलग रिपोर्ट, चाहे वो IMF का हो या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और संस्था के, ये सब यही कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी करीब 5% के करीब कॉन्ट्रैक्ट होगा और साथ में करोड़ों लोगों का अपने जॉब से हाथ धोना होगा। वैसे IMF के लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोरोना के सेकेंड वेव में इकोनॉमी फिर से शट डाउन ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए।